पिछले 18 दिनों से एमसीडी के कर्मचारी सिविक सेंटर के बाहर हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी हड़ताल खत्म कराने के लिए शुक्रवार शाम सिविक सेंटर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। हमारे साथ नॉर्थ एमसीडी की मेयर प्रीति अग्रवाल मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से पिछले 18 दिनों से हड़ताल चल रही है, उनका कहना है कि उनको परमानेंट किया जाए, इसको लेकर आज मीटिंग हुई है, क्या कुछ रहा है? 3-4 दिन से ये मीटिंग्स उनके साथ डेली चल रही थी और आज उन्होंने ये भी बताया कि आज उनकी शायद केजरीवाल साहब से भी मुलाकात थी 4 बजे, लेकिन वो किसी कारण से केजरीवाल साहब उनसे नहीं मिल पाए। तो उनकी कल भी हमने सारी बातें सुनी थी और आज भी सारी बातें सुनी, तो जो मांग हम उनकी मान सकते थे वो मांगे उनकी मानी हैं हमने, और कल सुबह उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कल सुबह हड़ताल को कॉल ऑफ कर देंगे। दिल्ली सरकार ने भी प्रस्ताव जो है विधानसभा में पास किया है और उनका कहना है कि जो जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके पास नहीं है, अगर उनको परमानेंट करना है तो वो केंद्र और जो एलजी है उनके हाथ में है। देखिए, बैठ के कहने से और सिर्फ कह देने से, पॉलिटिक्स करने से काम नहीं चलता है, ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कह तो दिया, लेकिन क्या उन्होंने बजट में किसी भी चीज़ का, जो हमारा बकाया पैसा है, उसका प्रावधान किया है क्या, ताकि जिन लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं इतने दिनों से, जो भूखे बैठे हैं, जिनके पीने का पानी भी का भी इंतज़ाम कल मैंने वहाँ पर करवाया है, पानी का भी डीबीसी कर्मचारियों को भेज के उनके दवाइयाँ भी डलवाई हैं, दवाइयों का छिड़काव भी करवाया है, और तो वो इन सब चीज़ों को देखते ना, वो ये देखते कि उनके कर्मचारियों के इनका घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, तो हमारा जो बकाया पैसा है वो हमें दे देते, ताकि हम उनकी सैलरी टाइम से दे पाते, ताकि हम उनको रेगुलर टाइम से कर पाते। जब वो पैसा ही बकाया पैसा हमें नहीं मिल रहा, फाइनेंशियल क्रंच कितने ज़्यादा, हम लोग नॉर्थ एमसीडी किस तरह से फाइनेंशियल क्रंच से जूझ रही है, उनका कर्तव्य फ़र्ज़ बनता था कि सारी पॉलिटिक्स को एक साइड पर रख के और जो ये कर्मचारियों के लिए जो ज़रूरी करने वाली चीज़ थी वो कर दे। मैम, कितने लगभग सफाई कर्मचारी हैं और कितना, अगर इनको परमानेंट किया जाता है तो कितना दबाव है और कितना बोझ जो है एमसीडी के ऊपर आ जाएगा? अभी हमने 2006 तक के कर्मचारियों को रेगुलराइज करने का एक सोचा है, एक निर्णय लिया है हम सबने मिलके, तो वो अब सब कुछ कल सुबह ही मैं आपको बता पाऊंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मनमोहन के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़।